हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलिए, आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा फॉर्म, मतलब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, मैं आपको सिखाऊंगा आज। आइए सीखते हैं। तो इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंटरोगेटिव फॉर्म। तो आइए, वीपी नंबर थ्री ध्यान दीजिएगा। वीपी नंबर थ्री मतलब भार पैटर्न थ्री। तो सब्जेक्ट अकेला होने से, इस जगह पर देखिएगा, सब्जेक्ट अकेला होने से पहले इज बैठता है। तो सब्जेक्ट यदि अकेला होता है तो पहले इज बैठेगा, उसका बाद सब्जेक्ट यदि एक से ज्यादा होता है, यू होता है, तो पहले आर बैठेगा। उसका बाद सब्जेक्ट यदि आई होता है तो पहले एम बैठेगा। उसका बाद प्लस सब्जेक्ट, प्लस भार, भार का साथ में आएंगे। भार का साथ में आईएनजी को जोड़िएगा। क्लास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अंत में आपका बैठेगा। और आपका इंटरोगेटिव साइलेंस, साइलेंस ये हुआ आपका प्रश्नवाच्य वाक्य। तो सब्जेक्ट अकेला होने से, ये सब्जेक्ट यदि आपका अकेला होता है तो पहले इज, अकेला होने से, यही सब्जेक्ट अकेला होने से, मतलब वन सिंगल वन से पहले इज। यही सब्जेक्ट यदि आपका एक से ज्यादा हो जाए और यू हो जाए, एक से ज्यादा मतलब दो और यू, तो पहले आर बैठेगा। और यही सब्जेक्ट यदि आपका आई होता है तो पहले एम बैठेगा। आई होने से पहले एम बैठेगा। तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इज आर एम ये सब्जेक्ट का पहले बैठ, और लास्ट में जो आपको प्रश्नवाचक साइन, मतलब इंट्रोगेटिव साइन आपको लिखना पड़ेगा। ये हुआ आपका वीपी नंबर थ्री का, आपका वीपी नंबर थ्री का ये सूत्र। तो देखिए, एक नंबर, तो जय क्या स्कूल जा रहा है? तो क्या है बोल के सवाल हो गया, प्रश्न हो गया। तो अभी जय आपका अकेला है तो इसीलिए पहले इज बैठेगा, सब्जेक्ट आपका जय, पहले इज बैठेगा। उसका बाद लिखिए जॉय। अब जाना अंग्रेजी भार हुआ गो, साथ में आईएनजी को जोड़ दिया, गोइंग। तो इज जॉय गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इज जॉय गोइंग टू स्कूल, मतलब जय क्या स्कूल जा रहा है, ये हुआ आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो लड़का क्या बॉल खेल रहा है, सवाल हुआ। देखिए, लड़का आपका क्या है, अकेला है तो इसीलिए पहले इज बैठाइए। इज द बॉय, भार हुआ प्ले, साथ में आईएनजी को जोड़ दिए। उसका बाद ऑब्जेक्ट हुआ बॉल, द बॉल। तो इज द बॉय प्लेइंग द बॉल, मतलब लड़का क्या बॉल खेल रहा है, समझ गए? तो लड़का साहब क्या मछली पकड़ रहा है, मतलब सवाल हुआ क्या। अब देखिए, लड़का साहब मतलब एक से ज्यादा,
तो इसीलिए पहले आर बैठेगा, आर द बॉयज पकड़ना भार हुआ कैच, साथ में आईएनजी को जोर दिए कैचिंग, तो आर द बॉयज कैचिंग क्या द फिश ऑब्जेक्ट हुआ फिश। तो आर द बॉयज कैचिंग द फिश मतलब लड़का सब क्या मछली पकड़ रहा है। तो सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से आर आपका पहले बैठता है। ओके तो हम लोग क्या अंग्रेजी सीख रहे हैं, एक से ज्यादा हुआ इसीलिए पहले आर हुआ, आर वी हम लोग मतलब एक से ज्यादा इसीलिए पहले आर, आर वी भार हुआ लर्न, साथ में आईएनजी लर्निंग इंग्लिश। तो आर वी लर्निंग इंग्लिश हम लोग क्या अंग्रेजी सीख रहे हैं, देख लीजिए। तुम क्या खत लिख रहे हो, तो पहले ही बोले थे जैसे सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से यू होने से पहले आर होता है, तो वैसा ही बैठेगा पहले आर, तो आर बैठा नियम का अनुसार, तो आर उसका बाद सब्जेक्ट यू, लिखना अंग्रेजी राइट भार हुआ राइट, साथ में आईएनजी जोर दिए डबल टी हो गया ई टेनिस हो गया ई आपका हट गया, तो राइटिंग आर यू राइटिंग क्या द लेटर। तो आर यू राइटिंग द लेटर आप तुम क्या खत लिख रहे हो। तो मैं क्या किताब पढ़ रहा हूं मतलब ये भी सवाल, तो आप जानते हैं सब्जेक्ट आई होने से पहले एम बैठता है नियम के अनुसार, सब्जेक्ट यदि आपका आई होता है देखिए आई तो पहले एम बैठेगा सब्जेक्ट का पहले, तो सब्जेक्ट का पहले एम बैठेगा, तो इसीलिए एम क्यों सब्जेक्ट है आई तो एम आई। अभी लिखना अभी पढ़ना अंग्रेजी रीड भार हुआ रीड साथ में आईएनजी रीडिंग द बुक तो मैं क्या किताब पढ़ रहा हूं एम आई रीडिंग द बुक समझ गए, तो आई होने से पहले एम बैठाइएगा तो सवाल हो जाएगा। मैं क्या तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, तो मैं क्या तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं मतलब सवाल, सब्जेक्ट आई होने से पहले एम बैठता है तो पहले एम बैठाइए, उसके बाद आई एम आई भार हुआ इंतजार मतलब वेट, साथ में आईएनजी जोर दिए एम आई वेटिंग फॉर मतलब लिए किसका लिए तुम्हारे लिए तो यू, तो एम आई वेटिंग फॉर यू मैं क्या तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं। ओके तो चलिए आज का लिए इतना ही, तो आज हम लोग सीख गए इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीसरा फॉर्म भी हम लोग सीख गए, तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट अकेला होने से पहले इज बैठता है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से यू होने से पहले आर बैठता है।
और सब्जेक्ट आई होने से पहले एम बैठता है, कब ना इंट्रोगेटिव फॉर्म में, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो हम लोग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीनों फॉर्म सीख गए, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना वाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। तो जाने का पहले आप लोग को मैं इतना ही बोल रहा हूँ, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरा चैनल में मतलब नए हैं और अब तक भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबको मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और हर वीडियो अच्छा से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग टेंस में घुस गए हैं, आप असली अंग्रेजी में घुस गए हैं। तो इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।